और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाका जात के अंदर पिछले 2 साल पहले जो सैलाब आया था, उस सैलाब के अंदर सड़कें और वहाँ के तमाम तर निज़ाम मुकम्मल तबाह हो चुका था। और खसूसन उन सड़कों की तबाही के बाद हर वक़्त जनूबी पंजाब का नारा ज़रूर लगाया जाता है और कहा जाता है कि फंड के अंदर जनूबी पंजाब को बाकायदा हिस्सा बजट में रखा जाएगा, लेकिन हम वो सब हरियालियाँ और हम वो सब सूरतें सिर्फ शहरी आबादियों में देखते हैं और जनूबी पंजाब के दही इलाकों के अंदर हमें वो उस तरह की कोई भी सूरत नज़र नहीं आती है। और खसूसन मैं जनूबी पंजाब के हवाले से इस ऐवान को भरपूर मुतवज्जे करना चाहता हूँ। इस वक्त मेरे पास ये एक पूरी फाइल है, इस पूरी फाइल के अंदर तकरीबन 300 अफराद जो 3 माह में कैंसर से फौत हो चुके हैं और कैंसर इस वक्त वहाँ वबाई सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। पर बजट में जब भी देखा जाता है तो देखा यह जाता है कि हर किस्म के हस्पताल, हर किस्म की ज़रूरियात और सेहत के हवाले से जो भी फंड जारी किए जाते हैं वो शहरी आबादियों के लिए दिए जाते हैं। अभी कहा गया कि कैंसर अस्पताल, फिर कैंसर अस्पताल लाहौर के अंदर, तो खुदारा जुनूबी पंजाब और उन दही इलाकों को ज़रूर देखें। जनाब स्पीकर साहब, तवज्जो चाहता हूँ कि उन इलाकों में कैंसर एक वबाई सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। आए रोज़ मेरे नौजवान असम्बली के बाहर कतबे उठाकर खड़े रहते हैं, एहतजाज करते हैं। मैं हल्के में जाता हूँ, मेरी माएँ, मेरी बहनें कैंसर के हवाले से गलियों में, रोडों पर मेरे नौजवान एहतजाज करते हैं, लेकिन फिर सुनने को मिलता है कि कैंसर अस्पताल फिर लाहौर के अंदर। तो मैं इस हवाले से मिनिस्टर साहबान से भी दरख्वास्त करता हूँ। दूसरा, इस वक्त सेहत के हवाले से वहाँ पर कई जगहों पर डिस्पेंसरियाँ बनाई गईं, छोटे छोटे अस्पताल बनाए गए, जो इमारतें तैयार हो चुकी हैं, लेकिन तैयार होने के बाद भी जब पूछा जाता है वो इमारतें खंडर बनती जा रही हैं। जाते हैं, देखते हैं तो पूछते हैं, वो कहते हैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने इस इमारत को हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले करना है। तो खुदारा जो चीज़ें करनी है वो करें, वो खंडर ना बने। और उसके बाद वो खंडरात के मंजर पेश करती हैं वो इमारतें जो पिछली 4-4 सालों से, 3-3 सालों से बनी हुई है। और कहा जाता है कि भाई वो हम हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले करेंगे, पता नहीं कब करेंगे। हमें नहीं नज़र आता कि कब उस पर बातचीत होगी और कब ये मामलात होंगे। यहाँ लाहौर की हरियालियाँ, यहाँ लाहौर की तरक्कियों पर हमें खुशी होती है, ये भी हमारा है, लेकिन खुदारा उस जनूबी पंजाब को जहाँ आए रोज़ लाशें गिर रही है, जहाँ आए रोज़ सड़कों की वजह से लोग मरीजों को चारपाइयों के साथ बांध कर नीचे उतारते हैं, और इस पोजीशन के अंदर जब हम यहाँ ऐवान में सुनते हैं कि माशाल्लाह एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम हो रहा है जनाब, तो भाई एयर एम्बुलेंस ज़रूर करें, पर वहाँ छोटे छोटे उन गरीब इलाकों को भी कुछ एम्बुलेंस फराम करें, उन्हें भी पूछें, वहाँ की भी सड़कें बनाएं, वहाँ के हालात को भी देखें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब स्पीकर साहब का, और खसूसन हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने हेल्थ के बारे में और बजट के अंदर इस पर बातचीत की है। और मैं चाहता हूं कि जनूबी पंजाब और तौसा के इलाकों को कैंसर के हवाले से इंतहा दर्जे की परेशानी की सूरत हाल है, रास्तों के हवाले से सैलाब के बाद से तमाम रास्ते वहां खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं। इस वक्त 2024 के अंदर लोग आज भी पानी वहाँ पर बारिशों का जो वहाँ जोहड़ों में इकट्ठा होता है वो पी रहे हैं, इसी वजह से वहाँ बीमारियाँ हैं।
कहा यह जाता है कि थर का इलाका पसमांदा है। मैं ऐवान में हलफ से कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा पसमांदा तरीन इलाका कोहे सुलेमान का दामनी इलाका है, उस इलाके को जरूर पूछा जाए। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया जी। जी मोहतरम जनाब फैबुलस क्रिस्टोफर साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले मैं अपने निजात दहिंदा खुदामंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद अपने कायद जनाब मियां मोहम्मद वाशिफ साहब, मियां मोहम्मद शबाशिफ साहब, मियां हमजा शहबाज और अपनी लीडर अपनी कायद मोहतरमा मरियम नवाशिफ साहबा का कि जिन्होंने मुझे ये एमपीए की इज्जत से नवाजा। जनाब स्पीकर मेरी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा की तरह ये बजट अवाम खिदमत बजट पेश किया और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी कायद वज़ीरे आला मोहतरमा मरियम नवाशिफ साहबा का जिन्होंने पंजाब में बसने वाली मजहबी कलियतों को इस बजट में अच्छा बजट दिया। जनाब स्पीकर मैं अपनी तरफ से और अपनी कौम की तरफ से चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी और मोहतरमा रहीला खादम हुसैन साहबा की दरख्वास्त पर पंजाब की तारीख में पहली बार मसीह कौम के मजहबी त्यौहार ईस्टर पर मसीह कौम को खसूसी 10 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, जो कि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ। हम कलीते इस बात पे खुश हैं कि पहली बार एक ऐसा सीएम हमें मिला है जो कलीतों के बारे बड़ी फिक्रमंदी रखती हैं और कलीतों की खिदमत का बड़ा जज्बा रखते हैं। जनाब स्पीकर मैंने बजट को पढ़ा और मेरी जिम्मेदारी है कि यहाँ मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूँ तो मैं मिनिस्टर फनाज से दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरी तजवीज़ पर गौर करें। जनाब स्पीकर सीएम साहबा ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम दिया जो कि खुदा के फजल से कामयाबी के साथ जारी है और इसमें जो अहम किरदार है वो मेरी कौम के लोगों का है, सैनिटरी वर्कर का अहम किरदार है और जनाब स्पीकर वो पिसा हुआ तकबा है और गुरबत की लकीर से नीचे वो अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो 10-10, 15-15 साल से डेली वेजेस और वर्क चार्ज पर खिदमत कर रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है जनाब मिस्टर फनाज से कि उनको फिल फौर मुस्तकिल किया जाए ताकि सुथरा पंजाब जो प्रोग्राम है ये हमेशा कामयाबी के साथ जारी रहे। और जनाब स्पीकर सिर्फ एक और तजवीज़ और देना चाहूँगा कि आए रोज़ हम देखते हैं हमें सुनने को मिलता है वो लोग जो पेट की खातर और अपने बच्चों के रोजगार की खातर इस मुल्क की सफाई सुथराई की खातर अपनी जानों की परवाह किए बगैर गटरों में उतरते हैं और आए रोज वो अपनी जानों की बाजी हार जाते हैं। मेरी दरख्वास्त है मिनिस्टर फनाज साहब से कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वासा के तमाम मुलाजमीन को जो है लाइफ सेफ्टी किट्स दी जाएं, उनके बगैर उन्हें गटरों में उतरने की इजाज़त ना हो और वासा के जितने मुलाजमीन हैं उनको ये जो है जिंदगी की बीमा पॉलिसी उसको यकीनी बनाया जा सके। और मैं पूरे हाउस का शुक्रिया अदा करता हूं और एक यहां दुख भरी बात जो मैंने अपनी आंखों से देखी है वो भी जरूर बयान करना चाहूंगा कि कल की बात है हमारी जमात के एक वर्कर चीफ मिनिस्टर साहबा के हलके से योहन्नाबाद से PP159 वो हमारा अच्छा वर्कर था, खुदा की मर्जी से वो कजायलाई से वफात पा गया है। तो जब मैं उसके घर में हमदर्दी के लिए गया वो बेचारा गरीब आदमी था, ना उसके पास अपनी छत है ना उसके पास अपना घर है, 4 बच्चे हैं, वो मासूम बेटी इस गम की हालत में। तो मुझे ख्याल आया कि हमने इतनी इतनी पॉलिसियां बनाई हैं तो कोई ऐसा मंसूबा भी होना चाहिए कि जो लोग इस तरह के जिनके साथ कुदरती इस तरह के मामलात हालात बन जाते हैं खानदानों पर क़यामत टूट जाती है उन स्पेशल पैकेज बनाया जाए ताकि वो दो बच्चे।
ये जी इजलास का वक्त 3 बजे तक था, तो हमने